दोस्तों नमस्कार। आज हम कन्नौज के एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर माता फूलमती के मंदिर आए हुए हैं। यह मंदिर एक सिद्धपीठ है। माता फूलमती का मंदिर मकरंद नगर रोड पर मोहल्ला नखासा में बना हुआ है। आइए माता के मंदिर में प्रवेश करते हैं। हम मंदिर के बारे में जानेंगे और माता के दर्शन करेंगे तथा माता की महिमा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है माता फूलमती महाराजा वेणुचक्र की 7 पुत्रियों में से एक हैं, जो यहाँ पर स्वयं विराजमान हुई हैं। नगर वासियों तथा कई राज्य के लोगों का अटूट विश्वास माता पर है और अटूट आस्था है तथा माता के मंदिर आकर पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप इसमें ऐतिहासिक सिद्धपीठ माँ फूलमती देवी माता रानी के दरबार में हैं। इसमें ये त्रेता युग के पहले का दरबार है, हजारों साल पुराना मंदिर। माता रानी का विख्यान तो जितना हम बता दें उतना कम है, क्योंकि ये तो युगों की देवी बैठी हैं। क्योंकि ये जो माता का विग्रह है, जो फूलमती मैया का, जिसको आज के युग में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके जो बोलते हैं, ये वो नहीं है। ये अपने आप विराजमान है माता रानी। एक होता है हम लोग मूर्तियाँ लाए, प्राण प्रतिष्ठा की और उसको स्थापना की, ये अपने आप स्वयंभू विग्रह है, अपने आप विराजमान है। ये राजा वेणुचक्र थे, उन्हीं की बेटियाँ हैं ये 7। फूलमती माता हैं, यहीं पर छेमकली माता हैं, गोवर्धनी मैया हैं, सियरमऊ मैया हैं, मोरारी देवी, ऐसे करके ये अपने कन्नौज शहर में यहाँ पर 5-5, 10-10 किलोमीटर दूरी पर 7 बहनें विराजमान हैं और 7 स्वयंभू हैं। किसी ने स्थापना नहीं की है, क्योंकि राजा वेणुचक्र थे जो सूर्य उदय के सूर्य अस्त के एक राजा थे। बताया जाता है इतिहासों में कि राजा वेणुचक्र रावण से भी कर लेते थे, इतने तपस्वी राजा थे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसे रावण बलशाली वो भी कर देता था राजा वेणुचक्र को। तो उनकी बेटियां हैं ये, क्योंकि इतिहास में बताया जाता है कि राजा वेणुचक्र की जो बेटियां हैं वो 7 बेटी हैं इनकी। और ये राजा वेणुचक्र जो राजा थे, ये अपने जो कर राजा का जो कोष आता था उसमें से कुछ नहीं खाते थे। ये अभी भी मूर्ति में पंखा पकड़े हुए हैं। बताते हैं पंखा का विन विन करके, पंखा का बना बना कर उसमें जो आता था उसमें भरण पोषण करते थे अपना, अपने परिवार का। इसी वजह से इनकी बेटियों ने अपने माता पिता को बात करते हुए सुन लिया कि मेरे माता पिता इतने गरीब हैं, मेरी कैसे ये शादियाँ या कैसे आगे भरण पोषण चलेगा। तो 7 ने निर्णय लिया कि हम लोग किसी स्थान पर विराजमान हो जाएं और सारे संसार में, क्योंकि ऐसे वेणुचक्र ऐसे माता पिता की ये बेटियाँ हैं, तो कुछ ना कुछ एक संसार के लिए ऐसा करें कि जो अजर अमर रहे हमेशा। तो वो बेटियाँ हैं राजा वेणुचक्र की फूलमती माता। और ये इनका, ये माता रानी का अपने भक्तों पर, क्योंकि ये आसपास क्षेत्र ने कई जिलों में ये कुल देवी इष्ट देवी हैं। आपके फतेहपुर पूरा जिला, रायबरेली मध्य प्रदेश में जबलपुर पड़ता है, कटनी पड़ता है, गुजरात में बड़ौदरा, दिल्ली, शाहजहानपुर, कानपुर के विंध की रनिया, ऐसे कई जिला जो प्रांत हैं जो वहाँ के सभी भक्त, अभी नवरात्र आज 10वीं है, समापन हुए हैं, कल तक वो भीड़ थी अपार कि दर्शन करने में बड़ा दिक्कत होती थी, क्योंकि इष्ट देवी पास सभी लोग आते हैं हर 6 महीने में एक बार जरूर। और माता रानी का महत्व ये है मैया फूलमती का, कि जो इनको सुबह हम लोग स्नान कराते हैं माता को, गंगा जल, गुलाब जल और जल से जो स्नान कराते हैं माता, वो जो जल आता है उसको, जल को हम लोग एक लोटे में भर के रख लेते हैं। पीछे एक गड्ढा भी है जो उसमें भर जाता है कंटिन्यू, बराबर वो जल वहाँ रहता भी है। तो इनका सुबह जो श्रृंगार करते हैं, जो उसमें जल निकलता है, जल किसी के भी आँखों में
लाल छर बढ़ जाती है, शरीर पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं। एक होता है बचपन से दाग हो गए सफ़ेद दाग, यहाँ पर हम लोग उसको फूल बोलते हैं, दाग नहीं बोलते हैं। एक बीच में दाग निकल आते हैं और एक देवी निकल आती है, कहीं पर दाना बोलते हैं उसको, कहीं पर चेचक बोलते हैं। तो माता रानी की ऐसी कृपा है, क्यों इनको जो फूल चढ़ाते हैं हम लोग, गुड़हल का फूल महत्व है इनका, प्रिय फूल जो माता का, गुड़हल के फूल से वो जल को लगाते हैं। ये तीनों चीज़ें, कहीं भी कोई परेशानी होती है, ये मैया की कृपा है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग भी आते हैं उस जल को लेने के लिए। और वो जल का मैया ऐसी कृपा है कि वहीं घुएँ वो चीज़ शांत हो जाएगी। लेकिन सर्वप्रथम अपना विश्वास एक हो कि मेरी माँ बैठी हैं, ये ना हो कि लाओ हम जल को देख लें आराम मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर आप विश्वास से करेंगे तो मेरा भी 95% वादा है, हमारे पास कुछ नहीं, हम माता रानी की ताकत से ही बोल रहे हैं कि 95% वादा है कि अगर आपने जल को किसी भी बीमारी में अगर लगाया और पिया भी है जल को, क्योंकि हम लोग उसको पीते हैं, ग्रहण करते हैं, तो मैया की ऐसी कृपा है कि अपार कोई भी बीमारी हो ठीक होती है। हो गई कई भक्तों की प्रत्यक्ष मेरे 20 सालों की सेवा में, माता के कई ऐसे अनंत कार मैया ने चमत्कार किए हैं, जो हाँ आज भी भक्त माता रानी के पूरा पूरा जो उनके संप्रदाय के लोग उनके मुरीद हो गए हैं कि माता के सिवा वो कहीं नहीं जाते हैं। और यहाँ पर 8 किलोमीटर कन्नौज में गंगा माँ विराजमान है, गंगा मैया निकली हैं। तो जो जल हमने बताया था आपको लाने के लिए, तो यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा पड़ती है, आषाढ़ी पड़ती है, ये बड़े पर्व पड़ते हैं। यहाँ पर जो जिनकी कुल देवी इष्ट देवी हैं वो लोग गंगा स्नान करके यहाँ जल चढ़ाते हैं। जल का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए जल चढ़ाते हैं कि मेरे किसी परिवार में किसी की आंखों में कोई दोष ना लगे, इसलिए जल चढ़ाते हैं यहाँ पर आके सभी भक्त लोग गंगा मैया को, और उस जल को ले जाते हैं घर पे। क्योंकि ये कन्नौज तो अब हुआ है इतिहास, और श्रीमद् भागवत इसका कन्नौज करके नाम आता है, कन्नौज का श्रीमद् भागवत में आप पढ़ेंगे तो कन्नौज करके नाम आएगा, कन्नौज अब हो गया है। और ये तपस्वी भूमि है ही, राजा जयचंद का किला भी यहाँ पर है, बहुत ही ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं, कन्नौज का इत्र और कन्नौज की कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक विख्यान अपने आप में एक स्वयंभू है। और इनकी जो सभी बहनियाँ हैं सब एक ऐसे ऐसे अपने अपने चमत्कार ऐसी कृपा है भक्तों के ऊपर जो अलौकिक है, ये माता रानी की पूरी कृपा है। फूलमती देवी का जो मंदिर है ये प्राचीन बहुत सिद्धपीठ मंदिर है, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग अपने मनोकामना के लिए आते हैं, अपने माता के यहाँ दर्शन भाव करते हैं, उससे माता उनके जो है सारे कष्ट दूर करती हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण करती हैं। माता अपने भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। दोस्तों, आप भी यदि माता के भक्त हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा अधिक से अधिक शेयर कर दें। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।